आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड आप देख सकते हो कि मेरे पास 5.1 एक होम थिएटर है अब इस होम थिएटर के अंदर क्या है फ्रेंड कि ये बहुत पुराना मॉडल है यानी आजकल के जो होम थिएटर आते हैं फ्रेंड उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर यूएसबी और ब्लूटूथ का दोनों का सिस्टम दिया होता है लेकिन इसके अंदर ब्लूटूथ और यूएसबी का कोई भी सिस्टम नहीं है इसको हम सिंपली या तो अपने पीसी से ये वाली वायर लगा के यूज कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के अंदर इसको कनेक्ट करके गाने वगैरह प्ले कर सकते हैं तो आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई पुराना ब्लूटूथ वाला इस टाइप का इयरफोन हो जैसे कि ये मेरे पास है अब इसकी जो वायर वगैरह है पूरी की पूरी खराब हो गई है लेकिन इसकी जो अंदर की प्लेट है फ्रेंड वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है तो हम इस प्लेट को यूज करके कैसे एक ब्लूटूथ सिस्टम बना सकते हैं और इस सिस्टम को हम इस वायर के अंदर फिट करेंगे बीच में और फिर ये जो हमारा सिस्टम है सारा ब्लूटूथ से काम करेगा तो आज की वीडियो के अंदर मैं वही चीज आपको बताने वाला हूँ तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें अदरवाइज वीडियो को डिसलाइक करें तो चलिए फ्रेंड ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना है फ्रेंड एक तो ये जो आपका सर्किट है ये बिल्कुल ओके होना चाहिए अब इसकी तो वायर वगैरह खराब हो गई थी तो मैंने निकाल के फेंक दिए बाकी इसका सर्किट बिल्कुल ओके है ये देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये हमारा ऑन भी हो रहा है ये देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ फ्रेंड तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर लाइट जल रही है इस तरीके से ये तो ये देखिए तो बिल्कुल सर्किट इसका ओके है इसकी वायर वगैरह वगैरह जो लीड थी वो खराब हो गई है तो अब हम क्या करेंगे इसको हम सबसे पहले खोलेंगे इसको एक बार मैं बंद कर लेता हूँ इस तरीके से ये मैंने इसको बंद कर दिया बंद हो गया अब हम इसको पहले खोलेंगे और बिल्कुल आप ध्यान से देखना फ्रेंड एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके कनेक्शन वगैरह तो इस तरीके से हम इसको खोल लेते हैं ये देखिए इस तरीके से हमें खोलना है ये मैंने खोल लिया और ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर ऐसा सर्किट है ये देख लो इस टाइप का ये सर्किट है हमारे पास अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड एक बैटरी होती है ये नीचे हमारे पास बैटरी है तो अगर आपके पास इस टाइप का सर्किट है उसकी बैटरी खराब हो गई है तो भी आप यूज कर सकते हो इसके के अंदर जो बैटरी लगी हुई है आप इस बैटरी को निकाल के यहाँ पे आप डायरेक्ट कोई चार्जर हो आपके पास जो कटा हुआ चार्जर तो वहां पे कटे हुए चार्जर की वायर को आप डायरेक्ट जोड़ के इसको डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हो वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा कैसे आपको करना है फिलहाल जो इसकी बैटरी है वो हमारी ओके है तो यहाँ पे हम बैटरी को लगे रहने देते अब देखिए हमें करना क्या है इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है ये जो हमारी वायर है ये देखिए इस टाइप की ये वायर है तो हमें क्या करना है फ्रेंड इस वायर को अपने हिसाब से जितनी भी आपको लंबी चाहिए उस हिसाब से कट कर लेना है तो आप इतनी वायर ले सकते हो या फिर इसे ज्यादा ले सकते हो तो ये मेरे पास नई वायर है फ्रेंड तो मैं इसको कट नहीं करूंगा मेरे पास एक ऑलरेडी पहले से कटी हुई वायर है ये देखिए ये मैंने यहाँ से कट कर रखी है इसी तरीके से आपको भी अगर आपके पास ऐसी जुड़ी हुई वायर हो तो ऐसे आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो बाकी के हिस्से की हमें जरूरत नहीं है खाली इतने से टुकड़े की हमें जरूरत है अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड हम करेंगे क्या इसको मैं साइड में रखता हूं यहाँ पे ना हम इस वायर को अब छीलेंगे यहाँ से कट करने के बाद कुछ इस तरीके से बचेगी और यहाँ से हम वायर को अब छील के इसके अंदर से वायर को निकालेंगे तो इसके अंदर की वायर को भी हमें देखना है और वही मेन चीज आपको समझनी है फ्रेंड किस तरीके से हमें जोड़ना है तो इस तरीके से ना हम इसको कट करके इसके अंदर की वायर को निकालेंगे तो ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से इसके अंदर टोटल चार वायर निकली है अब देखिए हमें करना क्या है इसके अंदर हमें करना है दो दो वायर को एक साथ जोड़ना है ये जो ब्लैक ब्लैक वाली वायर है फ्रेंड इसको एक साथ जोड़ना है और ये जो रेड और ग्रीन वायर है इसको एक साथ जोड़ना है तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ से हल्का सा छील लेंगे इस तरीके से देखिए फ्रेंड इस तरीके से यहां से निकल जा रहा है और इसको आपस में जोड़ लेना ब्लैक ब्लैक को आपको एक साथ जोड़ लेना है और ये जो हमारी ग्रीन और रेड वायर है इसको एक साथ जोड़ना है इस तरीके से हमने इसको जोड़ लिया और ये जो वायर है इसको हम एक साथ जोड़ लेंगे अब ये देखिए ब्लैक ब्लैक को एक साथ कर लिया और ग्रीन और रेड वायर को एक साथ कर लिया तो इस तरीके से हमने वायर को जोड़ लिया अब देखिए हमें आगे क्या करना है ये जो हमारा सर्किट है इसके अंदर देखना है तो यहाँ पे हम क्या चीज देखेंगे ये थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो ये देखिए फ्रेंड जूम करने पे आपको इस तरीके से दो पॉइंट देंगे देखिए एल प्लस और ये हमारे पास एल माइनस ये यहाँ पे एल दिख नहीं रहा लेकिन ये एल माइनस है और ये एल प्लस है तो यहाँ पे हमें दोनों वायर को जोड़ना है अब देखिए इसके अंदर कौन सी वायर कहाँ पे जोड़ेंगे ये जो एल प्लस है फ्रेंड तो यहाँ पे हम जो हमारी ग्रीन और रेड वाली वायर है उसको यहाँ पे जोड़ेंगे और ये जो एल माइनस है यहाँ पे देखिए ये जो साथ में इसका पॉइंट है यहाँ पे हम ब्लैक वाली वायर को जोड़ेंगे तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सोल्ड करना है तो मैं एक बार सोल्ड कर लेता हूँ फ्रेंड फिर आपको दिखाता हूं तो ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से मैंने वायर को जोड़ा है एक बार मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने वायर को जोड़ा है ये देखिए हमारी जो रेड और ग्रीन वायर है उसको एक साथ करके एल प्लस पे जोड़ा है और ये वाली जो वायर है फ्रेंड ये हमारी एल माइनस ये मैंने ब्लैक वाली दोनों को जोड़ के यहाँ पे जोड़ा है तो इस तरीके से फ्रेंड मैंने इसको जोड़ दिया है अब पैक करेंगे तो पैक करने के लिए इस बैटरी को इस तरीके से मैं लगा के इसको पैक कर देता हूँ ये देखिए इस तरीके से हमें पैक करना है ये हो गया और ये वायर हमारी यहाँ से थोड़ी सी ये देखिए इस तरीके से आ गई है और इसीलिए मैंने इसको कट करा था ताकि ये प्लास्टिक फिर अंदर फिट नहीं होता अब उसके बाद फ्रेंड इसको हम लगा देंगे अब इसको हम देखिए इस तरीके से लगा देते तो इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड पैक हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने पैक कर लिया है इसको अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके की ये हमारी केबल बन गई है ब्लूटूथ वाली अब इसको आप किसी भी बोफर के अंदर लगा सकते हो जो आपका 5.1 हो या 2.1 हो या 4.1 हो किसी भी बोफर के अंदर लगा सकते हो जिसके अंदर इस टाइप की केबल लगा के आप गाने प्ले करते थे अब देखिए इसका हम यूज कैसे करेंगे चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो चलिए फ्रेंड अब चलते हैं बोफर की ओर तो ये देखिए फ्रेंड जो केबल अभी हमने बनाई थी अपनी ब्लूटूथ वाली ये केबल हमारी बनके तैयार है अब देखिए फ्रेंड इसको मैं क्या करूंगा अपने बोफर के अंदर दोबारा से लगाने जा रहा हूं तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट ऐसे है तो यहाँ पे हम इस केबल को लगाएंगे अब देखिए ये जो व्हाइट वाली है तो इसकी जगह पे हम व्हाइट को रेड वाली की जगह पे रेड को तो दोनों को हम लगा लेते हैं इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमने लगा दिया इसको अब लगाने के बाद देखिए फ्रेंड हम क्या करेंगे यहां से इसको ऑन करेंगे क्योंकि इसके अंदर बैटरी लगी हुई है तो अब देखते हैं इस तरीके से मैंने ऑन कर दिया और आपको देखिए फ्रेंड जैसे मैंने ऑन करा तो एक साउंड आपको सुनाई दी होगी अब देखिए फ्रेंड अब हम क्या करेंगे ये है मेरा मोबाइल और इस मोबाइल से हम इसके अंदर गाने प्ले करके देखेंगे तो सबसे पहले मैं इसके अंदर का पैटर्न खोल लेता हूँ पैटर्न खोलने के बाद आपको जाना है फ्रेंड सेटिंग के अंदर तो ये मैं सेटिंग में जा रहा हूँ और यहाँ पे हम जाएंगे ब्लूटूथ के अंदर ये ब्लूटूथ के अंदर मैं आ गया हूँ फ्रेंड ब्लूटूथ के अंदर आने के बाद फ्रेंड आपको इसको ब्लूटूथ को ऑन करना है ये मैंने ऑन कर दिया है और ये देखिए फ्रेंड इसने ऑटोमेटिक ही सर्च करके ये जो ब्लूटूथ म्यूजिक के नाम से है इससे कनेक्ट कर लिया है क्योंकि ये जो फ्रेंड लेट थी पहले मैं इसको यूज करता था इसलिए इसने ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लिया है अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपको पहले इसको सर्च कराना है फिर कनेक्ट हो जाएगा तो ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया है और यहाँ पे देखिए फ्रेंड इसकी ये जो बैटरी भी दिखा रहा है यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है इसके साथ अब चलिए इसके अंदर मैं आपको गाने प्ले करके दिखाता हूँ तो फ्रेंड एक चीज और कि मैं इसके अंदर आपको नॉन कॉपीराइट सॉन्ग ही प्ले करके दिखाऊंगा ताकि मेरे चैनल पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो चलिए इसको हम प्ले करके देखते तो मैंने दो तीन गाने डाउनलोड कर रखे हैं नॉन कॉपी वाले वो मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये हैं दो गाने तो इसको मैं प्ले कर रहा हूँ इस तरीके से ये मैंने प्ले कर दिया है और आप देख सकते हो फ्रेंड कि आपको साउंड की आवाज़ सुनाई दे रही होगी अब इसको मैं देखिए आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ यहाँ से तो ये देखिए यहाँ से आवाज़ बढ़ रही है फ्रेंड इस तरीके से और इसको मैं गाने को भी आगे पीछे करके दिखाता हूँ अभी ना फ्रेंड इसके अंदर ये गाना कहाँ से होगा ये थोड़े से आवाज़ को ये इस तरीके से इसके अंदर आप देख सकते हो गाने वगैरह आगे पीछे हो रहे हैं देखिए मैं गाना दूसरा चेंज कर रहा हूँ इस तरीके से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है और ये हमारा इसी से कनेक्टेड है इस डिवाइस से इस डिवाइस से ये कनेक्टेड है फ्रेंड और यहीं से ये काम कर रहा है और ये देखिए मैं गाने को आगे पीछे कर रहा हूँ ये से एक तो इसकी टच भी काम निकलती है आवाज को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर इस केबल के, के थ्रू आपका सारा काम हो जाएगा तो इसी तरीके से फ्रेंड अगर आपके पास भी कोई ईयरफोन है ब्लूटूथ वाला उसकी वायर वगैरह खराब हो गई है तो आप उसके सर्किट को इस तरीके से वायर के साथ ऐसे कनेक्ट करके अपने सिंपल वूफर को ब्लूटूथ वाले स्पीकर में कन्वर्ट कर सकते हो फ्रेंड और यूज कर सकते हो क्योंकि इस टाइप के जो आजकल मार्केट में ब्लूटूथ वाले ईयरफोन आ रहे हैं फ्रेंड उनकी या तो वायर खराब हो जाती है उनके स्पीकर खराब हो जाते हैं तो उन सर्किट को आप यूज कर सकते हो इस तरीके से जैसे मैंने यूज किया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये काम भी कर रहा है अब देखिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ से ये यह देखिए यहाँ से हम इसको बंद करेंगे और ये बंद हो गया है तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है